السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اما بعد عن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفال الصالح الكلمة الحسنة متفق عليه أنس رضي الله عنه سيروايته وأب صلى الله عليه وسلم سيبيان كرته كالله كنبي صلى الله عليه وسلم فرمايا لا عدوى कोई भी बीमारी मुतादी नहीं होती वाला ना बदफ़ाली कोई चीज़ है व्यू अर्जिबनफ़ाल लेकिन अच्छा फ़ाल नेक फ़ाल मुझे पसंद है यानी अमदाबाद जो इंसान एक दूसरे से सुनता है अबू दाऊद की रिवायत हैब्दल बिन मसद रदी से अल्ला से रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्हुसम ने फरमाया तो शिरकुन बदशगोनी शिरक है बद फाली न मेरे भाइयों बदफ़ाली बदशगोली, आज कल माशरे में इतनी आम सी बात हो चुकी है कि इंसान परिंदों में से क़ुआ है उल्लू है बिल्ली कुत्ता और इंसान के जो अफ़ाल कैफ़ियात है इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से बदशगोनी लेना शुरू करता है नहूसत मानता है यानी नहूसत क्या चीज़ है इंसान कोई काम करने का आज़म करता है किसी काम का इरादा कर लिया जो भी चीज़ें मैंने ज़िक्र किए हैं इन तमाम चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ सामने आ जाए कौवा का पुकार रहा हो कोई ऐसा आदमी निकल गया कोई आदमी चीख मार दिया और ऐसी चीज़ें जिनसे इंसान बदशगुनी लेता है उन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ सामने आ जाए तो उस काम को करना छोड़ देता है काम को करना छोड़ देता है तो ये तमाम चीज़ें क्या है ये शिरक है ये तमाम चीज़ें शिरक है क्योंकि इंसान भरोसा करना है हर चीज़ में अल्लाह रब्लम के दात पर इंसान इन तमाम चीज़ों को आसानी पैदा करने परेशानियों को सामने लाने और जो भी मुसीबतें जो भी परेशानियां हैं इन तमाम चीज़ों का तसर जो है इन तमाम चीज़ों के हवाले करता है कि इसके ज़रिए से ऐसा हो सकता है उसके ज़रिए से हो सकता है हम नहीं निकलेंगे हम काम नहीं करेंगे कुछ भी हो सकता है ये तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह आलमीन की तरफ़ से होती हैं ना किसी कव्वे से ना किसी उल्लू से ना किसी इंसान के सामने आने से बिल्ली गुजरने से कुछ नहीं होता लेकिन इंसान इन तमाम चीज़ों को इनके हवाले कर दे के ये अकीदा रखता है कि हमारे सामने से बिल्ली का गुज़र हुआ बाद लोग ऐसे होते हैं कि अगर सामने से कोई सफ़र कर रहे हैं सामने से बिल्ली का गुज़र हुआ दूसरा आदमी वहाँ से गुजरे तक ये लोग नहीं गुज़रते कैसी हालत है हमारी ये अकीदा बिल्कुल गलत है ये अकीदा नहीं होना चाहिए एक सही मुसलमान का ये तमाम चीज़ें इंसान को की तरफ लेके जाती हैं और इसी तरीके से हमारा ये अकीदा होना है कि इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है ना कौवे के अख्तियार में कुछ है ना उल्लू के अख्तियार में कुछ है बिल्ली का गुज़रने से कुछ होता है इतना तमाम चीज़ें जाहिलियत की रस्म व रिवाज है जमाने जाहिलियत में लोग काम करना है एक अहम काम होता है तो परिंदे को डाते हैं परिंदा सीधा तरफ चला गया तो काम करना शुरू कर देते कितना भी अहम काम क्यों और उनके सामने कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो अगर परिंदा उल्टे तरफ चला गया तो फिर काम नहीं करते दिनों में से बुधवार को चार शुमे को नफुसत वाला दिन समझते थे तो ये तमाम चीज़ें चलते चलते हमारे मुसलमानों के दरमियान भी आ गए बाज़ लोग तो फ़लाँ दिन ही काम करेंगे हम फलाँ दिन ही सफ़र करेंगे इनके अलावा कोई दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है ये तमाम के तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत है इस्लाम के अंदर नहीं है अमई उम्बिल्ला जो अल्लाह रब्मिन के ज़ात पर ईमान रखता है उसको चाहिए उसी पर भरोसा करे अल्लाह के जात पर ही भरोसा करे अल्लाह के अलावा कोई तसरफ में इख्तियार करने वाला नहीं है अल्लाह के अलावा कोई परेशानी में मुबला करने वाला नहीं है अल्लाह के अलावा कोई आसान मुश्किल खुशा नहीं है अल्लाह के अलावा कोई बीमारी देने वाला नहीं है बीमारी में शिफा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है ये तमाम के तमाम इख्तियारा अल्लाह के ज़ात में है ये अकीदा हमारा होना चाहिए अगर कोई आदमी सामने से गुजर गया कोई आदमी चीख मार दिया कोई आदमी जिसे लोग मनहू समझते हैं उसको भी हम मनहू समझ के सफ़र करना छोड़ दिए बायदा तौर पर लोग जो है ऑफ़िसों के जाते हुए गांव को जाते हुए, हुए सफ़र करते हुए कोई ऐसी चीज़ को देख लिए जिनके अखादा सही नहीं है सफ़र करना छोड़ देते वो लोग ऑफिस को जाना छोड़ देते वो लोग ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ग़लत अकायद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदफाली लेना यह क्या है शिरक है आप नेक फाल ले सकते हैं अच्छा फल ले सकते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक वाली क्या है इंसान के गुमान के साथ है इंसान कितना अच्छा अल्लाह रबुआलम के साथ गुमान करेगा भी मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ अच्छा गुमान रखना चाहिए एक इंसान नेक इंसान आ रहा है उसके साथ अच्छा फाल ले सकते आप क्योंकि देखिएसल हुआ के वो खबर अल्लाह के नबी सलम ने नक फाल लिया था एक शख्स आ रहे थे मशरक में से सहल उनका नाम था मसला हल नहीं हो रहा था अल्लाह के नबी ने कहा सहल आ रहे हैं मामला काम जो है सहल हो जाएगा आसान हो जाएगा नेक फ़ाल अच्छा फ़ाल हम ले सकते हैं तो हम बुरा फाल बद फाल ये सब इंसान के पास अल्लाह के शरीत में ये बिल्कुल ग़लत है लिहाज मुसलमानों को चाहिए कि अपना अकदा सही रखें इंसान का अकदा जितना अच्छा होगा उसके जितने भी आमल वो आगे करेगा पूरे अच्छे रहेंगे अब इंसान का अदा जितना गलत होगा वो जितने भी अमाल करते जाएगा उसके अमाल बर्बाद होते जाएंगे तो इंसान को ये तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ये उल्लू है जो कौवा है जो कुत्ता बिल्ली इंसान के कुछ ऐसे अमाल है अरे इसको देख लिया अब क्या होता क्या सुबह सुबह किसका मुँह देख लिया कि मैं ये सब चीज़ें बेकार है हाँ अब कभी गैर मुस्लिमों को देखेंगे कभी वो गुजर रहा होता है हम भी जाते हैं कोई चीख मार दिया तो हमको नीचे से ऊपर दे देखेगा ये क्या है मेरे साहब ने चीख मार दिया ये तमाम चीज़ें मुसलमानों के दरमियान भी आ गई तो ये बिल्कुल ग़लत है इसके कोई इख्तियार नहीं है कोई तसरफ नहीं है सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है तो ये आकदा हमारा होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कर रब्लम मुझे और आपको सुने और कही बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक तो अता फरमाए और हम तमाम लोगों का अखीदा सही रखने की तौफीक तो अता फरमाए आमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वर्क